तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं वन प्लस सिक्स के परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में और देखेंगे इंडोर एंड आउटडोर कंडीशन में कैसा ये प्ले करता है। और इसके अंदर हम लोग आज आपको दो गेम प्ले करके दिखाएंगे, पबजी एंड एस्फेल्ट 8, और देखेंगे क्या ये लैग करता है उसको खेलने के बाद और क्या इसके अंदर हीटिंग इशू आता है नहीं आता है इंडोर में भी और आउटडोर में भी। तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए। तो मेरा नाम है यश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सेन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी मैंने स्टार्ट कर दिया है और देखते हैं इंडोर कंडीशन में क्या ये फोन हीट अप होता है नहीं होता है। तो आप मजे लीजिए थोड़ा पबजी गेम के। और अब हम चेक करेंगे क्या इसमें हीट अप और गर्म होना फोन हुआ शुरू या नहीं। गाइस इस साइड तो बहुत सही है, इस साइड से गाइस थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो चुका है हल्का हल्का। मैंने चेक किया था तो 33.3 डिग्री इसका हीटअप हुआ है बढ़ना इंडोर के अंदर। तो गाइस चलते हैं एस्फाल्ट एयरबोन भी खेलते हैं, कैसा है गेम देखते हैं आप भी, थोड़ा मजे लीजिए। चेक करते हैं गाइस, अभी डार्क कवर चेंज करते हैं और देखते हैं गाइस इस साइड आप देख पा रहे होंगे इधर थोड़ा सा ही गर्म जो था पहले से वही है। मैंने चेक किया दोबारा से भी इस साइड तो नहीं है, नीचे साइड ऊपर की साइड पे थोड़ा सा गर्म है, इस साइड कूल डाउन है और इस साइड थोड़ा सा है हीटिंग इफेक्ट 33.3 से ऊपर नहीं गया अभी तक गाइस। अब चलते हैं हम लोग आउटडोर कंडीशन की तरफ और देखते हैं आउटडोर में क्या ये बेटर परफॉर्मेंस करता नहीं करता। स्टार्ट कर दिया अब जी, आप देख रहे होंगे गाइस क्या इसके अंदर गर्म होना शुरू हुआ नहीं हुआ आउटडोर के अंदर। चेक करते हैं इसके अंदर हम लोग क्या ये गर्म हुआ नहीं हुआ। दोस्तों अगर देख रहे होंगे कि इस साइड पे गर्म होना बहुत ज्यादा हो चुका है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है एंड अभी ये 40 डिग्री के आसपास पहुंच गया है इसका टेम्परेचर आउटडोर में। एंड एस्फाल्ट 8 भी मैंने स्टार्ट कर दिया और देख रहे होंगे एस्फाल्ट 8 भी मैं अच्छे से खेल रहा था और मैं थोड़ा देख रहा था वही इशू उतना ही है, अभी कुछ लैग नहीं कर रहा है फ़ोन के अंदर, बहुत सही फ़ोन है। एंड गाइस हीट अप तो बस अभी यहाँ पे उसी जगह पे हुआ है कैमरे के साइड में जहाँ प्रोसेसर लगा हुआ है ऑलरेडी, बैटरी के साइड में कुछ गर्म वगैरह नहीं हुआ है, फोन वही 40 डिग्री के आसपास ही टेम्परेचर था। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वन प्लस सिक्स का परफॉर्मेंस टेस्ट, और आपको मैंने बताया भी ये इंडोर के अंदर 33.3 के आसपास इसका टेम्परेचर रहा और आउटडोर में इसका टेम्परेचर 40 के आसपास ही रहा, उससे नीचे नहीं गिरा और ना इससे ऊपर गया। एंड मैंने इसमें देखा भी इसमें कुछ भी लैकिंग इशू नहीं आया। तो गाइस हीट अप तो थोड़ा सा होना लाजमी है क्योंकि हम लोग गेम खेल रहे हैं, और अगर आप देखते हैं इंडोर के अंदर हम लोग एसी में बैठते हैं तो इंडोर में तो इतना कम हीटअप होता है, आउटडोर में ज़्यादा हीटअप होता है बिकॉज आजकल गर्मी है और समर सीजन चल रहा है तो गर्म फोन होते हैं थोड़े से। और मैंने आउटडोर में आपको खेल के दिखाया पबजी और एस्फाल्ट 8 से कि आपको पता लग जाए कि कैसा ये फ़ोन है और क्या ये इसके अंदर हीटिंग इफेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो 40 डिग्री के अंदर ही इसका टेम्परेचर जो था उतने का उतना ही रहा और उससे ऊपर नहीं गया। तो गाइस मुझे मैसेज आए थे और ईमेल भी आए थे कि आप पबजी लाइव क्यों नहीं करते, तो गाइस अब से मैं आपको पबजी लाइव भी दिखाऊंगा अपने चैनल पे। एंड गाइस उसके आप मजे ले सकते हैं, एक से दो वीडियो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे पबजी लाइव के ऊपर भी। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी वन प्लस सिक्स के परफॉर्मेंस टेस्ट के बारे में तो उस वीडियो को लाइक करें, नहीं चलेगी तो डिसलाइक भी करें कोई दिक्कत नहीं, और शेयर करें दोस्तों के साथ। एंड गाइस कमेंट जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप आने वाले टाइम में कौन सी अच्छी वीडियो देना चाहते हैं मुझे जरूर बताएं कमेंट करके। एंड जो नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस ऐसी अच्छी वीडियोस में लेके आता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।